अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हरिपुर हज़ारा स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ पंडी जाने के लिए। मुझे ट्रेन डेढ़ घंटा लेट है, अभी ट्रेन हवैया से चली है तो तकरीबन एक घंटा लगेगा यहाँ पे आने में। हरिपुर हज़ारा स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा स्टेशन है, इससे आगे बड़ा स्टेशन हवेली है जो आखिरी है पाकिस्तान का स्टेशन जो है। तो इस तरफ वाली साइड पे के पी के अंदर वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ट्रेन आएगी तो आपको दिखाते हैं वीडियो में। टिकट के लाइन में लगे हैं, मैं भी टिकट ले रहे हैं। देहरादून से पहले एक व्यू हरिपुर हज़ारा स्टेशन का, ज़्यादा बड़ा प्लेटफार्म नहीं है यहाँ पे, प्लेटफार्म एक ही है और यहाँ पेपर लाइन के लिए ज़्यादातर चलता है, पीएलसी चलती है यहाँ पे, सिग्नल सिस्टम इतने ख़ास नहीं है यहाँ पे, लैंप वाले सिग्नल लगे हैं मगर वो भी वर्किंग मेरे ख्याल से बहुत कम करते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ प्लेटफॉर्म पे, एक यहाँ पे फ्रीट वैगन खड़ी हुई है। स्टेशन पर दिन में सिर्फ दो गाड़ियाँ आती हैं, एक 11 अप और 12 हज़ारा एक्सप्रेस और एक रावलपिंडी अप डाउन, जो रावलपिंडी और हवेलियाँ के बीच में चलती है। सुबह रावलपिंडी चल के हवेली जाती है और शाम में हवेलियाँ चल के रावलपिंडी वापस चली जाती है, जिसका अभी मैं वेट कर रहा हूँ। गाड़ी तकरीबन डेढ़ घंटा लेट है। इस तरफ अप की साइड पे बहुत ही कोई मोड़ है, ख़तरनाक मोड़ है, जब ट्रेन आएगी वहाँ से तो कोशिश करेंगे कैप्चर करें उसको, मगर अंधेरा हो चुका होगा तो उस वक्त इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है कैमरे का। फाइनली ट्रेन हमारी 268 डाउन रावलपिंडी पैसेंजर हरिपुर हज़ारा अराइव कर रही है, इसमें आप पिंडी तक के सफ़र करेंगे और रास्ते में टेस्ला गोलर शरीफ स्टेशन से होते हुए पिंडी पहुंचेगी ट्रेन। स्पीड लिमिट यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा कम है चढ़ाई की वजह से, और फिर अप में चढ़ाई है तो नीचे जाते हुए जो है ढलान है उसकी वजह से ट्रेन स्लो होती है, स्पीड्स कम होती हैं ट्रेन की यहाँ पर। दो मिनट का स्टॉप है ट्रेन में यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी पिंडी के लिए। देखते हैं ट्रेन में कितना रश है, यहाँ तो शिकासी आवाम जो खड़ी हुई है ट्रेन में बैठने के लिए, पीछे देखते हैं ट्रेन में कितना रश है, उम्मीद है जगह बदलेगी बैठने की, अपना सफ़र खासा मुख्तसर है, खड़े होकर भी गुजारा हो जाएगा ट्रेन के अंदर। Gracias.
हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। चेहरे की वजह से वीडियो क्वालिटी बहुत ही कोई ना बना सकती हो। PSA 20 ट्रेन को लीड कर रहा है, 500 पैसा बन चुका है।
जा रहे हैं पेशावर। स्टॉप इतना ज़्यादा नहीं है।
खराब है यहाँ पे। स्टेशन हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सिग्नल रेड है अभी तो स्टॉप होगा। बहुत अच्छा सफ़र रहा, मगर रात का सफ़र था तो इसलिए नज़ारे देख नहीं सके हम अच्छे। सेम दिन में सफ़र होगा तो पता चलेगा। बहुत अच्छा व्यू है इस सेक्शन का, बीच में टनल भी आता है। सिग्नल ऊपर देख सकते हैं, छोटा सा सिग्नल लगा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी इस ट्रेन में इतना रश होगा, मगर इस ट्रेन में भी बहुत भरपूर रश होता है। ये छोटे रूट की ट्रेन है तो आवाम पिंडी आने वाले लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, वेट करते हैं सिग्नल का। फिर इसके बाद मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट अरावल होगा ट्रेन का। तो ये है रावलपिंडी वॉशिंग लाइन, सिग्नल रेड है, बाहर होम पे खड़ी गाड़ी। ऐसे सिग्नल ग्रीन होगा तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे एंटर हो जाएगी। ये पूरा रावलपिंडी का वॉशिंग लाइन बना हुआ है, इसमें रैक खड़ा हुआ है रेल कार का मेरे ख्याल से, जो रात को रवाना होगी। लोको शेड से PH 20 निकल के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। सामने पॉइंट्समैन ने इशारा कर दिया ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर लाने का। बराबर से पैरल एक्शन हो रहा है PH 20 का। और SBU 20 वहां खड़ा हुआ सामने की साइड पर। PH 20 बहुत तेजी से आ गया हमारे करीब। सामने भी प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन या कोई खाली लाइट लोकोमोटिव की लाइट्स विजिबल हो रही है। ये भी है ट्रेन हो सकती है। और सामने ही हमारे फायर ऑफ रेल लाइन खड़ी हुई है, जो अभी पहुंची है पंडित। GU 24567 के लेट के साथ, बहुत ही यूनिक नंबर।
सीरियल वाइज देखा जाए तो तो ये सफ़र यहीं पे इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।